हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑयलफ्री दावत। आज ऑयलफ्री दावत पे मैं आपके सामने नवरात्रों की कुछ हेल्दी और स्पेशल रेसिपीज़ लेके आ रही हूँ। सबसे पहली है कुट्टू डोसा, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। एक बाउल में लेंगे एक कप कुट्टू का आटा। अब इसके अंदर एक कप पानी को मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी मिक्स करेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे सारा। अब इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। अगर आपको लगता है कि पानी अभी भी कम है तो हम इसके अंदर और भी डाल सकते हैं। अब डाल देंगे थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ा पानी कम लग रहा है मुझे तो इसको थोड़ा थोड़ा पानी करके मिक्स करते रहेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे सारा। इस तरह से देखिए थोड़ा थोड़ा पानी करके मिक्स करते रहेंगे और एक स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं, आपने चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप अपने कमेंट्स ज़रूर मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगती है। तो देखिए बैटर हमारा बन के तैयार हो गया है। इतना ही स्मूथ बैटर हमें रखना है, थोड़ी देर के लिए इसको ढक के रख देंगे। तो चलिए अब डोसे की स्टफिंग बनाते हैं। एक पैन में लेंगे एक चम्मच घी। अब इसके अंदर थोड़ा सा कड़ी पत्ता, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च और उबले हुए आलू। दो उबले हुए आलू हैं, ये मैश कर दिया है। अगर आप व्रत में जीरा खाते हैं तो अब वो डाल सकते हैं तड़के में। अब डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा सेंधा नमक। मेरे चैनल पर और भी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं, मैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। डाल देंगे थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती। अब डालेंगे आधा नींबू का रस। अब इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। तो देखिए डोसे की स्टफिंग बनके तैयार है ये। कोई और मसाले अगर आप खाते हैं तो वो यहाँ डाल सकते हैं। तो चलिए अब डोसा बनाते हैं। तवे को अच्छी तरह से गरम कर लेंगे और इस पर इस तरह से पानी का छींटा मार के साफ़ कर लेंगे। अब डालेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल नहीं खाते हैं तो आप यहाँ घी यूज़ कर सकते हैं। इसको इसी तरह से कपड़े से साफ़ कर लेंगे। अब एक बड़ा चम्मच बैटर का डाल के इस तरह से उसको डोसे की शेप दे देंगे। धीरे धीरे करेंगे, जल्दी जल्दी नहीं करना है। धीरे धीरे करके इस तरह से उसको डोसे की शेप दे दिए। इसको पकने देंगे थोड़ा सा, हाई फ्लेम रखेंगे यहाँ पे। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, या तो आप घी यूज़ करते हैं तो घी डाल सकते हैं यहाँ पे। इसको पकने देंगे अच्छे से। आप चाहें तो उसको दोनों तरफ से भी पका सकते हैं। इस तरह से इसको थोड़ा सा पका लेंगे। अब जो आलू की स्टफिंग हमने बनाई थी उसको यहाँ डाल देंगे। आप चाहें तो एक तरफ रखना चाहें एक साइड रख सकते हैं, बीच में डालना चाहें तो वहाँ भी डाल सकते हैं। तो आपने देखा ये कितनी आसान सी रेसिपी है और कितनी फटाफट बन गई है हमारी ये रेसिपी। तो आप व्रत में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। आपको कैसी लगती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना। तो देखिए कुट्टू का डोसा बनके तैयार है। तो चलिए अब अपनी दूसरी रेसिपी शुरू करते हैं, सामक के चावल के आटे का हलवा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पैन में लेंगे एक बड़ा चम्मच घी, उसमें आधा कप सामक के चावल का आटा डाल के मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए रोस्ट कर देंगे ब्राउन होने तक। अब इसके अंदर एक ग्लास पानी डालेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे ताकि कोई गांठे हो तो वो घुल जाए। तो देखिए इस तरह से इसको मिक्स करते रहेंगे। पानी अगर आपको लगता है और डालना है तो और डालें, नहीं तो आप ज़्यादा पानी ना डालें। इसके अंदर मीडियम फ्लेम पे रखेंगे इसको
और साथ के साथ इसको चलाते रहेंगे। 2 से 3 इलायची का पाउडर, 1/2 कप शुगर। शुगर नहीं खाते आप, जैगरी पाउडर यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। 5 मिनट के लिए बस लो फ्लेम पे इसको ढक के रख देंगे। तो देखिए ये व्रत का हलवा तैयार है। आप अपनी मनपसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। आप चाहें तो गोले को कद्दूकस करके भी यहाँ डाल सकते हैं, सूखे गोले को। तो चलिए अब हलवे को सर्व कर लेते हैं। देखिए कितनी फटाफट हमारा ये हलवा बनके तैयार है। तो आप इस व्रत में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको कैसी लगती है आप कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए अगली शुरू करते हैं। 1 बाउल में लेंगे 1 कप सामक के चावल। 1 ग्लास पानी डाल के अच्छी तरह से धो के उसको भिगोने के लिए रख देंगे। अब एक कुकर में 1 चम्मच घी, 3 इलायची, 3 से 4 काली मिर्च डाल के 2 कटे हुए आलू रोस्ट कर देंगे इसके अंदर अच्छे से। थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच सेंधा नमक। ये हम नमकीन चावल बना रहे हैं इसके अंदर सामक के। तो जो चावल हमने सोख के रखे थे उसको अच्छी तरह से धो के फिर इसके अंदर डाल देंगे। अब इसके अंदर 2 कप पानी डाल देंगे। 1 कप चावल लिए हैं तो 2 कप पानी डाल देंगे इसके अंदर। मिक्स करके इसको ढक देंगे अच्छी तरह से। मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और 2 विसल आने का वेट करेंगे। तो देखिए ओपन को हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो हमारे देखिए चावल बनके तैयार है व्रत के। आप अगर डालना चाहें तो इसके ऊपर उसको नट्स भी डाल सकते हैं। तो देखिए ये व्रत के नमकीन चावल भी बनके तैयार हैं। आपको रेसिपी कैसी लगती है आप कमेंट में बताइए। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए अब अगली रेसिपी शुरू करते हैं। 1 पैन में थोड़ा सा घी डाल के उसके अंदर कच्ची मूँगफली को रोस्ट कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही रोस्ट करेंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए। अब इसमें 1/2 कप मखाना भून लेंगे। लो फ्लेम पे ही इसको भून लेंगे 2 मिनट के लिए सिर्फ। अब इसके अंदर डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच बादाम, इसी के अंदर भून लेंगे इसको। तो देखिए ये वाली भी व्रत की रेसिपी बनके तैयार है। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिंक आपको दे दूंगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लास्ट तक रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।